हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंडियन स्टाइल पास्ता। इसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या इवनिंग स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में पानी ले लेते हैं। मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है और ये पानी आपने अच्छी तरह लेना है ताकि पास्ता चिपके नहीं। पानी में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सॉल्ट और साथ ही में मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल ज़रूर डालना है क्योंकि ऑयल डालने से पास्ता आपस में चिपकता नहीं है। अब इस पानी में मैं बॉयल आने का वेट करूँगी और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइरल पास्ता। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम स्पाइरल पास्ता लिया है, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं फिर से इसमें बॉयल आने का वेट करूँगी। इसको बीच बीच में चलाते रहना है, वरना तो कई बार क्या होता है कि पास्ता चिपकना शुरू कर देता है आपस में। तो बस इसको इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है और थोड़ी देर तक कुक कर लेना है ताकि पास्ता थोड़ा सा फूल जाए और सॉफ़्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये पास्ता फूलना शुरू हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना होता है, इसे अलदानते रखना होता है, यानी इसमें एक कण खड़ा रहना चाहिए। इसे चेक कर लेती हूँ, ये परफेक्टली कुक हो चुका है। तो इसे मैं छान कर एक तरफ रख दूँगी और फिर मैं पास्ता बनाना शुरू करती हूँ। पास्ता बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, 1 छोटी शिमला मिर्च ली है, 2 टमाटर लिए हैं और 1 हरी मिर्च स्लिट करके रखी है। अब सेम कढ़ाई में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल, उसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज और प्याज को मैं लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर थोड़ी देर कुक करूँगी। इसे जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी कैप्सिकम, ताकि कैप्सिकम और अनियन इकट्ठे कुक हो सके। ये मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दी है। अब अनियन और कैप्सिकम को इकट्ठे 2 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। ये सारी कुकिंग मैं हाई फ्लेम पर कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी ये प्याज और कैप्सिकम जो है पक चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने स्लिट करके रखी थी, और इन्हें भी मैं कुक करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट 1/2 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो और मसाले, गरम मसाला या धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। टमाटर को बीच बीच में दबाते रहना है जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाए। आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में इसको दबा रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए। और ये टमाटर जो है वो पक चुका है, आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल जो है सेपरेट हो रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पास्ता जो मैंने छान कर रखा हुआ था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।